श्री नाथ जी गुरु जी को लखादेश, माँ भगवती को लखादेश, रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश, आप सभी को आदेश आदेश। बटुक भैरव जी का जो मंत्र है उसमें क्रांतिकारी बदलाव आया जब हमने बताया कि डरलक सहीम जो मंत्र है वो बटुक भैरव का मंत्र है। इस पे कई तरीके की मंत्रणा हुई। अब कुछ विद्वान साधक हैं जो कि जानना चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने आपादु धारणाय भैरव बटुक रूप में उनकी साधना सालों से की है, तो उसका सही विधान क्या है और उनकी कथा क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बटुक भैरव जिनको हम कहते हैं, जिनका युवा स्वरूप काल भैरव, रांची वाले भैरव बाबा मंदिर में जिनको हम पूजते हैं राजाधिराज को, वो बटुक भैरव और आपादु धारणाया बटुक भैरव दोनों अलग हैं। जो बटुक भैरव काल भैरव की हम पूजा करते हैं वो पंचम रुद्र अवतार है। जब ब्रह्मा और विष्णु में बात चल रही थी कि कौन महान है, तो ब्रह्मा जी ने अपनी महानता को महादेव से ऊपर बोला। इससे रोष में आकर के महादेव मतलब महाशून्य से एक नीला प्रकाश पुंज आया और ब्रह्मा जी ने अपने घमंड की पराकाष्ठा करते हुए बोला कि तुम मेरे पुत्र हो महादेव को और तुम्हारा नाम रुद्र होगा। इससे जो नीलवर्ण रुद्र थे वो और कुपित हो गए और उनसे फिर एक बालक का प्राकट्य हुआ और वो हुए बटुक भैरव, जिन्होंने जो अहंकारी मुख था ब्रह्मा का उसका संहार किया और फिर ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा उसको उससे निवृत्त होने के लिए वो जाकर के बनारस में उन्होंने तपस्या की। एक बटुक भैरव वो है जिनका मंत्र है आपादु धारणाया। एक राक्षस हुआ जिसका नाम था आपाद। आपाद जो था वो दैत्यों के लिए, दानवों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए चिंता का विषय था, क्योंकि उसने महादेव से वर मांगा था कि सिर्फ एक 5 साल का बच्चा ही उसका संहार कर सकता है। तो कोई भी देवता, कोई भी दानव या कोई भी मनुष्य उसका संहार करने में सक्षम नहीं थे। मनुष्य में छोटे बच्चे होते थे लेकिन वो एक राक्षस का संहार करे ऐसा हो नहीं सकता था। देव जो थे उस समय कोई भी 5 वर्षीय देवता थे नहीं। तो जब देवों ने चिंतन किया तो उनके शरीर के तेज से एक छोटा बच्चा का प्रादुर्भाव, छोटे बच्चे का प्रादुर्भाव, जैसे दुर्गा सप्तशती में आपने पढ़ा है कि महिषासुर को का मर्दन करने के लिए भगवती का प्रादुर्भाव जो देवता थे उनके शरीर से हुआ था, वैसे ही आपाद का वध करने के लिए जो देवता है उनके शरीर से जो किरण निकला उससे एक 5 वर्षीय बालक का जन्म हुआ। क्योंकि उसने आपाद का वध किया इसलिए उनको आपाद उद्धारणाया बोलते हैं, आपाद का उद्धार करने वाला। और बटुक क्योंकि छोटा बच्चा है, 5 साल से छोटे बच्चे को बटुक बोलते हैं, और भैरव इसलिए क्योंकि वो रक्षक थे। ठीक है, तो उनको भी भैरव की संज्ञा दी गई है लेकिन रुद्र अवतार भैरव की संज्ञा नहीं दी गई है। इनका वर्णन आता है रुद्रमलय तंत्र में। ठीक है, तो जब भगवती और महादेव बहुत सारे तंत्रोक्तर विषयों के बारे में, भगवती ने पूरा 108 जन्म लिया पूरे तंत्र को समझने के लिए, इसीलिए महादेव 108 मुंडमाला पहनते हैं भगवती का कपाल का। तो उसी में एक जन्म में उन्होंने भैरव जी के बारे में उनसे पूछा, उनको बोला कि महाप्रभु आपने लगभग 11,000 भजन स्त्रोत्र और मंत्र भैरव जी के दिए हैं, आप एक ऐसा साधना बताओ जिस जो कि बहुत आसान हो और एक आम साधक कर पाए। उस पर बहुत मतलब सीधे शब्दों में उसमें लिखा हुआ है, जिसका हिंदी रूपांतर में बता रहा हूँ, वो मंत्र प्रयोग में ही लिखा हुआ है कि आपादुद्धारक बटुक भैरव मंत्र प्रयोग। और इसी मंत्र प्रयोग को यहाँ से उठा करके हर जगह फिर प्रचलित किया गया कि बटुक भैरव जी का यही मंत्र है, लेकिन उसमें बटुक का प्रयोग नहीं है रुद्रमलय तंत्र में, उसमें क्या है आपादुद्धारक बटुक मंत्र प्रयोग। ठीक है, ये संस्कृत में, मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। तो कैसे करते हैं इनकी साधना? सबसे पहले भैरव जी का बटुक का ध्यान करते हैं अपने मानस पटल पर और ध्यान करते हैं। ठीक है, कैसा है ये बटुक, आपादुद्धारक बटुक का कैसा ध्यान होता है? जैसे हमारे बटुक भैरव हैं 4 हाथ वाले, एक हाथ में ब्रह्मा जी का मुंड, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में दंड, एक हाथ अभय मुद्रा में, ऐसा नहीं होता है। इनका जो है
इनकी आंखें बिल्कुल स्फटिक की तरह साफ, घुंघराले बाल, ठीक है, और रत्नों से सुशोभित होते हैं। इनके सिर्फ दो हाथ होते हैं, दाहिने हाथ में त्रिशूल पकड़ते हैं और जो बायां हाथ है उसमें ये अद्भुत दंड, जो दंड देने के लिए उसको ये धारण करते हैं, ठीक है। और ऐसा चित्रित करके दो हाथ वाले बालक का, जिसके आंख में बहुत सारा तेज हो, ऐसे बालक का ध्यान करके हम बटुक भैरव का ध्यान अपने चित्त में करते हैं। देखो, जो पूर्ण विधि है बटुक भैरव के लिए, उनमें बहुत तरीके का न्यास करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो सारा न्यास एक गृहस्थ के लिए हमेशा संभव नहीं है। क्या क्या न्यास होता है, मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूँ। बटुक भैरव के मंत्र को साधने के लिए प्रेत बीज से न्यास किया जाता है, नरसिंह बीज से न्यास किया जाता है, क्वान बीज से न्यास किया जाता है, सत्या बीज होता है, श्री बीज होता है, प्राण बीज होता है, घंटा बीज होता है और ख्याति बीज होता है। नौवा जो बीज होता है वो मूल बीज होता है। लेकिन इतना जो है गृहस्थ को नहीं करना चाहिए, ये एक सिद्ध साधक के लिए ये है, और सारे न्यासों को ऐसे पब्लिक डोमेन में मैं देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो 21 अक्षर का मंत्र रुद्रमालय तंत्र में बटुक भैरव जी का बताया गया, और मंत्र आप जानते हैं, ओम ह्रीम बटुकाया आपादुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम, ठीक है, यही मंत्र है। जब आप इसमें फट स्वाहा नमः स्वाहा लिखते हैं तो 8 तरीके से मंत्र का प्रयोग होता है। जब आप फट स्वाहा इस मंत्र में जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं मंत्र का ताड़न। मंत्र का ताड़न तीसरा चरण होता है, इसलिए जब शुरुआत में आप मंत्र करते हैं तो जैसे मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाया आपादु धारणाया कुरु कुरु बटुकाया ह्रीम, तो ह्रीम पर ही रुक जाएंगे। दूसरे चरण में आप नमः करेंगे, तीसरे चरण में ताड़न मतलब फट करेंगे, एक बार में पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि इस मंत्र का जाप कैसे करते हैं। पहले तो संकल्प कर लीजिए, भूत शुद्धि कर लीजिए, जो आपके पास बटुक भैरव का यंत्र है उसका प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, जो पंच पूजा है वो कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले विनियोग करते हैं, हाथ में जल लेंगे, उसके बाद बोलेंगे अस्य श्री बटुक भैरव मंत्रस्य बृहदारण्य ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री बटुक भैरवो देवता ह्रीम बीजम ह्रीम शक्ति ओम कीलकम श्री बटुक भैरव प्रीतये जपे विनयो। उसके बाद ऋषि ऋषादि न्यास करेंगे, ओम बृहदारण्य ऋषये नमः सिरसी, सर को हम छुएंगे, ठीक है, अनुष्टुप छंदान से नमः मुख को छुएंगे, श्री बटुक भैरव देवताये नमः हृदये ह्रीम बीजाय नमः गुह्ये ह्रीम शक्तये नमः पादयो ओम कीलकाये नमः नाभो नाभि को छुएंगे विनियोगाय नमः सर्वांग, ऐसा बोल करके पूरे शरीर को सर से लेकर के पांव तक छुएंगे, ठीक है। उसके बाद करन्यास करेंगे, करन्यास में ओम ह्रौम वौम ईशानाय नमः अंगुष्टाभ्याम, ठीक है। तो जब ऐसा बोलेंगे तो तर्जनी से अंगूठे का जो रूट है उससे लेकर के उसके मुख तक जो है हम स्पर्श करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग उंगली का जो जब हम करन्यास करते हैं तो उसके रूट से उसके टिप तक अंगूठे से छूते हैं, ठीक है। तो ओम ह्रैम वैम तत्पुरुषाय नमः तर्जन्यो ओम ह्रूं वुम अघुराय नमः मध्यामयो ओम ह्रीं विम वामदेवाय नमः अनामकायो ओम ह्राम वाम सज्जो सद्यो जाताय नमः कनिष्ठकयो इति करन्यास, ठीक है। जब हम भगवती का जाप करते हैं तो हम लोग मूर्ति न्यास नहीं करते हैं, लेकिन बटुक का जब जाप होगा तो उसमें मूर्ति न्यास होता है। तो कैसे होता है, ओम रोम वोम ईशानाय उर्ध्वक्त्राय नमः सिरसि, सिर को स्पर्श करेंगे, ओम ह्रैं वैं तत्पुरुषाय पूर्ववक्त्राय नमः मुखे ओम ह्रूं वुम अघोराय दक्षिण वक्त्राय नमः दक्षिण करणे ओम वीम वाम देवाय उत्तर वक्त्राय नमः वाम करणे ओम ह्राम वाम सद्यो जाताय पश्चिम वक्त्राय नमः चूडाद इति मूर्ति न्यासा। मैं तेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग जो मूल बीज है वो सब में एक ही है, सिर्फ क्रम बदलता है। उसके बाद बटुक भैरव के जाप में हम करते हैं पच
पंच ब्रह्म मंत्र न्यास, उसमें क्या करेंगे, ओम ह्रौम वौम ईशानाय नमः सिरसि, सिर का स्पर्श करेंगे, ओम ह्रैं वैम तत्पुरुषाय नमः मुखे, ओम ह्रूं वुम अघुराय नमः हृदये, ओम ह्रीं विम वामदेवाय नमः गृहे क्या गुह्ये, ओम ह्राम वाम सद्योजाताय नमः पादयु। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे हृदय न्यास, क्या, ओम ह्राम वाम हृदयाय नमः हृदय स्पर्श, ओम ह्रीं विम सिरसे स्व सिर स्पर्श, ओम ह्रीं वुम शिखाय वजट शिखा का स्पर्श करेंगे, ओम ह्रैं वैम कवचाय हुम दोनों कंधों पे क्रॉस करके दोनों हाथों को रखेंगे, ओम ह्रौम वम नेत्राय वसट तो मध्यमा को त्रिनेत्र पर और अगल बगल की उंगलियों को दोनों नेत्र पर रखेंगे, ओम रह वह अस्त्राय फट दोनों राइट हैंड का मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को सर के ऊपर से 3 बार घुमाएंगे, लेफ्ट हाथ की हथेली पे 3 बार ऐसे ताली बजाएंगे, तो हृदयनास संपूर्ण हुआ। ठीक है, अच्छा जो मूलभूत चीजें हैं जैसे शुरुआत में खुद को पवित्र करना, ओम अपवित्रो पवित्रो वा उस मंत्र से, उसके बाद जमीन को शुद्ध करना, ओम रक्ष रक्ष पवित्र वज्र भूमि रक्ष स्वाहा, लेफ्ट कान के बगल में हाथ जोड़ करके गुरु पंक्ति प्रणाम किया जाता है, ओम गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परापर गुरुभ्यो नमः परमेश्वर गुरुभ्यो नमः, राइट कान के बगल में प्रणाम करके ओम श्री गणेशाय नमः, पृथ्वी को स्पर्श करके ओम श्री कुर्माय नमः, आकाश को की तरफ देखते हुए ओम श्री अनंताय नमः, उसके सामने अपने पूजा की तरफ देख के ओम श्री आपादुद्धारणाय बटुकाय नमः। ठीक है, इतना आप शुरुआत में करेंगे, जो गायत्री मंत्र के लिए अधिकृत हैं वो अपने शिखा को स्पर्श करके 1 बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, इतना करेंगे, तिलक लगाएंगे, पंच पूजा करेंगे, उसके बाद जितना भी विधान बताया है वो करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद 108 बार बटुक भैरव मंत्र का जाप किया जाता है, अलग अलग विधानों में अलग अलग साधना और सिद्धि की संख्या दी गई है। ठीक है, वो अलग अलग मैं आने वाले समय में आप लोगों को बताऊंगा। इस मंत्र को अगर आपको सिद्ध करना है, मतलब परफेक्ट करना है, तो फिर आप 21 दिन तक इसका 5-5 माला रात्रि के समय में करेंगे दक्षिण की दिशा में। ठीक है, पंच पूजा करते हुए, देखो पंच पूजा में ये बटुक भैरव रुद्र अवतार बटुक भैरव की पूजा नहीं है, इसमें आप सरसों तेल का दीपक ना दे करके घी का दीपक दें। ठीक है, गुलाब का इत्र, गुलाब का जो गंध है वो, और जितने तरीके का फल और मिठाई होता है वो आप इसमें चढ़ा सकते हैं, उसमें आप स्वायत्त हैं। जैसे बटुक भैरव या काल भैरव के पूजा में आपको कारण चढ़ाना अनिवार्य होता है, इसमें वो अनिवार्य नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप लोग बिल्कुल मस्तिष्क में क्लियर कर लीजिए, आपादुद्धारणाया या आपादुद्वारणाया बहुत लोग बोलते हैं, आपादुद्धारणाया जो है वो बटुक है, वो भैरव भी हैं लेकिन रुद्र अवतार भैरव नहीं है, लेकिन भैरव की संज्ञा में उनको रखा गया है। हम जिस भैरव की पूजा करते हैं उसका मैंने महामंत्र दिया है पिछले वीडियो में, और डरलोक सहिम जो है वो मंत्र मैंने पहले, मतलब 1 साल पहले एक वीडियो में दिया है, उसका जाप करें जिनको रुद्र अवतार बटुक भैरव की साधना करें। आज के लिए इतना ही, जिनको बेसिक साधना सीखनी है, जिनको तंत्र का शुरुआती विधान जानना है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585, इसमें आपको तंत्र मंत्र यंत्र अपना बंधन और भैरव जी की पूजा का जो शुरुआती विधान है अघोर का वो आपको हम सिखाएंगे। मेरे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए या आगामी कार्यक्रम जानने के लिए www.tantra.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉपी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ @CM4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप व्हाट्सएप पर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसलिए नहीं बटुक भैरव आप सभी को अनंत खुशियां दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।